ब्रांड तो मैंने देखा, इनके कपड़ों का ब्रांड है जिसका नाम है सिस्टम ग्लोबल। जाके मैंने वेबसाइट पे देखा, वेबसाइट नहीं है, क्रैश हो जाती है। एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हम बोलेंगे दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि तुम्हारा सर्वर क्रैश हो रहा है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा छोटा है ना तो वो 1000 यूजर में भी क्रैश हो जाएगा। ओके, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा सर्वर कैपेसिटी कितनी हैंडल कर सकता है। तो इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि भाई सर्वर क्रैश हो रहा है बहुत बड़ी चीज है, नहीं ऐसा नहीं है। एक काम करो, तुम एक इंस्टांस लॉन्च करो, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम उसमें रैम डाल दो, बिल्कुल मिनिमम उसमें मेमोरी डाल दो, वो वैसे ही क्रैश हो जाएगा। ठीक है, उसमें वेबसाइट का लोड इतना हो जाएगा कि वो क्रैश हो जाएगा। 4-5 ऊपर से चीजें और डाल दें, जेनकिंस वेनकिंस और सब ऐड कर देना उसमें, वो खुलेगा नहीं सर्वर। इट इज नॉट लाइक कि वाओ डूड बहुत अच्छी चीज है, क्रैश हो रहा है, ठीक है, ऐसा सीन नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, मैं वो टर्म भूल गया, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने काफी टाइम से नहीं पढ़ी। आई थिंक एचपीए बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल ऑटो पॉड स्केलिंग, ऐसा कुछ होता है कुबरनेटीज में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो इंस्टेंस है ना, एक इंस्टेंस तो मिनिमम रहता ही रहता है, ठीक है, जो भी तुम सेट करोगे बेसिकली, लेट्स से एक सेट किया तुमने, एक तो रहता ही रहता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टली वो ऑटोमेटिकली स्केल करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द लोड जितना आ रहा है, ठीक है, और एक लोड बैलेंसर होता है जो कि हैंडल करता है फिर सारे लोड को एक एक करके तीनों पे भेजता है। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा सर्वर फिर क्रैश नहीं होगा। तो दैट्स द थिंग, तो तुम ये चीज करके अपनी वेबसाइट का लोड हैंडल कर सकते हो एलविश भाई, फिर तुम्हारा जो सर्वर है वो क्रैश नहीं होगा। एंड ऑल सेट।